जो लद्दाख को डिवीज़न का स्टेटस मिला है ये अच्छी बात है, हम इसका वेलकम करते हैं। दूर दराज इलाका है, हालांकि वहाँ आपके पास हिल डेवलपमेंट काउंसिल भी है, लेह में भी, करगिल में भी है, अब डिवीज़न मिला है, ये बहुत अच्छी बात है। पर इसके साथ साथ हमने पहले भी कहा था कि जो पीर पंचाल का एरिया है, जो चिनाब वैली का एरिया है, वो भी बहुत दूर दराज, वहाँ की आबादी के हिसाब से भी काफ़ी बड़ा इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका है, और वहाँ पहाड़ी इलाका है, तो अंडर डेवलप्ड है, कि वहाँ भी डिवीज़न कायम होने चाहिए पीर पंचाल में भी और चिनाब वैली में भी। तो आज का जो गवर्नर साहब का ये डिसीजन है, तो मुझे समझ नहीं आता इसके पीछे नीयत क्या है, क्योंकि अगर नीयत साफ होती तो पीर पंचाल में भी होना चाहिए था एक डिवीज़न, और चिनाब वैली में भी होना चाहिए था, लद्दाख में भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे फैसले जो है रोज़ रोज़ नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है कि गवर्नर साहब बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है पीर पंचाल और चिनाब वैली में अलग एक डिवीज़न कायम हो। वो इसके मुखालिफ रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है जब हमने अपनी सरकार में कोशिश की थी एक तो ट्राइबल लॉ फॉरेस्ट एक्ट लाने की, कि ताकि जो जो ट्राइबल लोग हैं उनको अपने हकूक मिले, और इसके साथ साथ हम आपस में ये भी बात चला रहे थे कि हम पीर पंचाल और चिनाब वैली को और दूसरा ये तीन डिवीज़न हम कायम करना चाहते थे, मगर इसमें बीजेपी की बहुत मुखालफत थी। तो आज लगता है कहीं ना कहीं गवर्नर साहब जो है बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, और एक जगह डिवीज़न देके